सर जे नरेट कर रहे हैं, आज है 31 अगस्त 2024। संजय धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे हैं कि अर्जुन नयोत्सहिति गोविंद तुष्णिम बभूव। जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं, मुझे लग रहा है जो ग्राउंड रियलिटी है ना, ग्राउंड है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है, उसी स्थिति की बातें बताई जा रही है। और भी लग रहा है कि धृतराष्ट्र बड़े मन में खुश हो रहे होंगे, अच्छा है, क्योंकि उनको पता है अर्जुन की करिश्मा, अर्जुन की करामत, अर्जुन का बल, एक योद्धा है। जब ये अध्ययन के बाद जब आए रंगमंच से, तो वो एक एक अपना धनुष के जो करिश्मा है वो द्रोणाचार्य प्रशंसा करने लगे, जो जो तो द्रोणा अर्जुन ने कुछ कम नहीं किया था, दिखाया था, उनको पता है। गांधारी के मुख से भी सुनते थे कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है और गुरु द्रोणाचार्य का भक्त है, गुरु द्रोणाचार्य को भी अर्जुन को ही मानते हैं प्रथम शिष्य के रूप में। इसलिए उनको डाउट था कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, सबको परास्त कर सकता है, और जब वो युद्ध नहीं करूंगा करके बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, खुश हुए। तो संजय नरेट कर रही है यथास्थिति। क्या अब 10 श्लोक, 10वां श्लोक संजय का ही है। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः। ये भगवान के प्रवचन से पहले की जो स्थिति है, भगवान के बारे में फोकस किया है। ऋषिकेश, ऋषिकाणाम ईशः, ऋषि का मतलब इंद्रियों का जो ईश है, ऋषिकेश, उसी से शब्द ऋषिकेश, ऋषि का इंद्रिय, इंद्रियों के जो ईश है, भगवान है, स्वामी है। ऋषि का ऋषिकेश प्रहसत निव भारत, हंस करके कहा, खाली हंस नहीं, प्रहर्ष प्रकर्षेण हंसना, क्यों हंसने लगे कि तुम जिसको समस्या बोल रहे हो वो समस्या नहीं है, एक क्षत्रिय के नाते युद्ध न करना ये तो हंसने की बात है, और तुम इसको बहुत समस्या समझ रहे हो, समस्या भी नहीं, इसीलिए तुम समस्या से दूर हो जाओ, तुम समस्या से दूर हो जाओ, इस समस्या को तुम समस्या ही मत समझो, तुम देखोगे। इसलिए प्रहसन नहीं हो, शेनो यो हो उभयोर मध्य, 3 बार आया, मैं बताया पहले प्रथम अध्याय में 2 बार, और अभी जो शेनो यो हो उभय, कहीं अलग नहीं गए, कहीं इधर उधर नहीं हुए, उसी वहीं पर ही रह रहे हैं। विषीदंतम, जो विषीदंतम तम यहाँ पर, और अर्जुन या परंतप नाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दुखी हो क्या नाम हो, नामित होगा नाम, इसीलिए कहा जाता है कि किसी के जीवन में माने संसार में पता चलता है कि यू आर समथिंग। अब अर्जुन की जो हालत है, यू आर नथिंग, इसलिए संजय भी नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान कृष्ण भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहते हैं क्या विषीदंतम, जो दुखा दुख में पड़ा हुआ है, जो सीदंती है, वो उनको वचन कह रहे हैं भगवान। इसलिए भी बता रहे हैं कि तो अर्जुन तुमने ये सब क्या, तुम्हारा भाव कहां से आ गया, तुम ऐसे क्यों, भाव परिवर्तन कैसे हो गए, तुमने ये निश्चय किया था कि युद्ध करूंगा और अभी बोल रहे कि निश्चय युद्ध नहीं करूंगा, और इधर तुम कह रहे हो मैं आपके शरण में जा रहा हूं, फिर कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो तुम समर्पण जब किया शिष्य को, शिष्य रूप में, फिर तुम डिसाइड कैसे कर लिया। और तुम्हारे ऊपर दायित्व है अधर्म का नाश करना है, और तुम ही युद्ध नहीं करोगे, इसलिए भगवान बताएंगे अभी अगले श्लोक में, 11 नंबर श्लोक में भगवान के प्रवचन शुरू होता है।
11 से जो कल हम लोग देखें। आज इतना ही तो समापन हो गया। देखिए भगवान पूरे टोटल कितना ध्यान से धैर्य से इंतजार किया। हरिओम।